plane. सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का आज का ये एपिसोड एक ऐसी सीरियल किलर माँ के बारे में है जिसने अपने ही मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया था और अपने इस जुर्म को हादसे का रूप देकर दुनिया की नजरों में मजलूम बनने की कोशिश कर रही थी और किसी हद तक अपनी इस साजिश में कामयाब भी हुई थी। और सोसाइटी के अक्सर लोगों का यही मानना था कि इन्होंने अपने बच्चों को खुद से नहीं मारा है, इस बाद में वजन भी महसूस होती थी क्योंकि इस दुनिया में माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटता। दुनिया के तमाम रिश्ते अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाते हैं मगर माँ अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से कभी नहीं थकती और हर माँ की यही कोशिश होती है कि मेरे हिस्से की खुशी भी मेरे बच्चों को मिले। मगर ये कैसी माँ थी जो नहीं चाहती थी कि इनके बच्चे भी बड़े हो और इन बच्चों को माँ कहने से पहले ही मार देती थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी जिनके चलते इस माँ ने अपने ही बच्चों का जान लेने का फैसला किया था और हर बच्चे के जन्म होने के एक या दो साल के अंदर अंदर इन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था कि इनको इनके किए गुनाहों की सजा दे सके, मगर इसी खातून के घर से कुछ ऐसे सबूत मिले कि जिनकी वजह से इनको अपनी गुनाहों की सजा भुगतना पड़ा। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन सीरियल किलर मदर कैथलीन की। कैथलीन 1960 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई और इनके पैदा होने के 9 साल बाद इनके वालिद ने इनकी मां को जान से मार दिया। वह इनकी वालिद की गिरफ्तारी के बाद ये एक हुकूमती इदारे में पली बड़ी। 15 साल की उम्र में स्कूल और सरकारी पनाहगाह छोड़ दिया और 1987 में गिब्सन नामी एक लड़के से शादी कर ली। इसके बाद कैथलीन कभी इधर कभी उधर मुँह मारती रही और अपने ही बच्चों को पैदा होने के कुछ अरसे में कत्ल कर देती थी। इस बात का एलम सबसे पहले इनके शोहर को हुआ जब इन्होंने इनकी डायरी पढ़ी। कैथलीन अपने हर जुर्म को अपनी डायरी में लिखा करती थी। इनके हस्बैंड ने पुलिस कंप्लेंट की तो इन्हें पहली दफा हिरासत में लिया गया मगर ये अपने गुनाहों से इनकार करती रही और कोर्ट में इनका केस एक लंबे अरसे तक चलता रहा। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि कैथलीन ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने ही 4 मासूम बच्चों का मर्डर किया है और इसी ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम से कैथलीन ने भागने की नाकाम कोशिश भी की जिसने पुलिस और प्रोसिक्यूशन के शक को यकीन में बदल दिया। मगर इन सब बच्चों के मौत के वक्त कैथलीन ने ही पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया था और कैथलीन के वकील ने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इन्हें नहीं बचा पाए और 2003 में इन्हें ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने 30 साल की नॉन बेलेबल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। मगर कैथलीन का कहना था कि जो भी एविडेंसेस इनके खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए हैं वो महज सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। इसी बिना पर कैथलीन ने 2005 में अपनी सजा के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इनकी अपील पर कोर्ट ने इन्हें सुना और सुनने के बाद इन्हें बरी तो नहीं किया मगर इनकी सजा को कम करके 30 साल कर दी और नॉन बेलेबल पीरियड 20 साल कर दी गई और इन्हें एक दफा फिर कातिल मां घोषित कर दिया गया। इसी तरह इस सीरियल किलर की कहानी जेल की सलाखों के पीछे बंद हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।